पढ़ रहे हैं डेविड एंड गोलियात, जिसमें कि अगर आपकी सक्सेस आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है तो कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और बहुत से लोगों ने किया है। उनकी लाइफ में एकदम ज्यादा दिक्कतें थी, इतनी ज्यादा दिक्कतें थी कि हम लोग उस पोजीशन में हम लोग भी हों तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम किसी से उम्मीद भी नहीं करेंगे कि वो कुछ कर पाए। बट डेविड एंड गोलियात की कहानी ये बताती है कि ऐसा ही हो सकता है। डेविड गोलियात में बहुत पुरानी कहानी है, जहां पर डेविड होता है एक बच्चा और गोलियात होता है बहुत बड़ा लड़ाई करने वाला वॉरियर, और 2 सेकंड में डेविड उसको हरा देता है। लेकिन उस 2 सेकंड के पीछे क्या क्या तैयारी थी, ये मैल्कम ग्लैडवेल अपनी इस बुक डेविड गोलियात में सिखा रहे हैं, और अलग अलग एग्जाम्पल से। कल हम लोग ने शुरू किया है डेविड बॉयस के नाम से एक बंदे की कहानी, वो US के बहुत बहुत ही फेमस लॉयर हैं। लेकिन कल हमने जो वीडियो बनाया है वो बात करता है डिसलेक्सिया के बारे में, क्योंकि डेविड बॉयस को डिसलेक्सिया था। डिसलेक्सिया मतलब ब्रेन की वो बीमारी जहां पर आप किसी भी शब्द को पढ़ते समय या सुनते समय शुरू के 40 मिलीसेकंड में पहचान नहीं पाते कि वो शब्द क्या है। और अगर किसी को डिसलेक्सिया हो तो आपने देखा है कि आमतौर पर बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो डिसलेक्सिक होंगे वो जुवेनाइल में जाएंगे, जेल में जाएंगे, बिकॉज लोग उनको समझेंगे नहीं, ये गुस्से वाले बनेंगे, अपने आप को प्रूव करने के लिए ये लड़ाइयाँ झगड़े एक्सेट्रा एक्सेट्रा करेंगे। बहुत से डिसलेक्सिक लोग कुछ नहीं कर पाते लाइफ में, लेकिन ये बच्चा कर पाया। आज जो हम पढ़ेंगे वो अभी भी डेविड बॉयज़ की कहानी शुरू नहीं होगी, कुछ और चीज़ शुरू होगी, क्योंकि डेविड बॉयज़ की कहानी जब शुरू होने वाली है उससे पहले 2 चीज़ें मैल्कम ग्लैडवेल चाहते हैं कि हम समझ जाएं। सबसे पहली कि डिसलेक्सिया क्या है, जो आपने इससे पहले की वीडियो में समझ लिया कि ब्रेन की वो बीमारी है जिसमें आप पढ़ाई नहीं कर पाते और बहुत ही बेकार बीमारी है। और दूसरी चीज़ जो समझाना चाहते हैं वो बहुत ही स्पेशल है, आई होप कि आपको मैं कन्वे कर सकूँ कि क्या समझाना चाहते हैं। सो फार इन डेविड गोलियात वी हैव लुक्ड एट द वेज इन विच वी आर ऑफन मिसलेड अबाउट द नेचर ऑफ एडवांटेजेस। हम सबको जिंदगी में कभी कभी एडवांटेज मिलते हैं, जैसे मैं आज जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास एक अच्छी खासी और नौकरी है जिसकी वजह से मैं फ़ोन खरीद सकता हूँ, एयर कंडीशन रूम में बैठ सकता हूँ, तो मेरे लिए क्या है, एडवांटेज है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते तो आपके पास एडवांटेज नहीं है, ठीक। और ऑब्वियसली जिसके पास एडवांटेज है वो आगे रहेगा, भाई आप और हम दोनों जा रहे हैं, मेरे पास बाइक है, आप पैदल हैं, तो मैं एडवांटेज पे हूँ, ठीक। अच्छा, लेकिन हम एडवांटेज को किस तरह से समझते हैं ये बड़ा उल्टा है डेविड एंड गोलियात के हिसाब से, मैल्कम ग्लैडवेल के हिसाब से। नाउ इट इज अ टाइम टू टर्न आवर अटेंशन टू द अदर साइड ऑफ द लेजर। एडवांटेज के बारे में समझे, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी कॉल सम थिंग्स एज डिसएडवांटेज। जब हम बोलते हैं किसी चीज को डिसएडवांटेज की तरह, बेचारगी की तरह, प्रॉब्लम की तरह, तो उसका क्या मतलब होता है? डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो समझ गए, फायदा, किसी के पास फायदा है। जैसे वॉरेन बफेट अक्सर बोलते थे कि मैं US में पैदा हुआ, उस टाइम पर पैदा हुआ कि मैं बहुत किस्मत वाला था। लेकिन डिसएडवांटेज मतलब बदकिस्मती, जैसे आपके आपके बारे में, नहीं आप चाहते थे कि इस साल आपका एडमिशन हो जाए ना, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए और आप आगे बढ़ जाएं, तो आपके लिए डिसएडवांटेज था कि आपका एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन हम किस तरह से डिसएडवांटेज को समझते हैं, क्या चीज़ है जो हमारे लिए डिसएडवांटेज है? कन्वेंशनल विजडम, जो पुराने लोग बोलते हैं, आमतौर पर जो लोग मानते हैं, होल्ड्स कहता है दैट डिसएडवांटेज इज समथिंग दैट ऑट टू बी अवॉइडेड। आमतौर पर लोग कहते हैं डिसएडवांटेज कोई ऐसी चीज है जिसको हमको छोड़ना चाहिए, दूर रहना चाहिए जिससे। बट इट इज अ सेटबैक और अ डिफिकल्टी दैट लीव्स यू वर्स ऑफ देन यू वुड हैव बी अदरवाइज। क्योंकि अगर आप डिसएडवांटेज में फंसे तो आप और पीछे जाएंगे, भाई सिंपल सी बात है। अगर आपके पास कोई चीज़ आपको आगे बढ़ा सकती है तो आपको, जैसे एक छोटी सी बात है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोचिंग का पैसा है, मेरे पास कोचिंग का पैसा नहीं है, तो कौन एडवांटेजेस है? भाई मैं। तो आमतौर पर लोग बोलते हैं अगर डिसएडवांटेज मिलता है तो हम लोगों को ये समझ में आता है उसको मत लो, कि ये सेटबैक है, इसमें मुश्किल पड़ेगी। बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है, बिकॉज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो लोग डिसएडवांटेज में हैं, जो मिसफिट हैं, जो बेचारे हैं, वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ पाते हैं। तो हमेशा डिसएडवांटेज बुरी चीज़ नहीं होती है। इन नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर में आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द आइडिया दैट देयर आर थिंग्स एज डिजायरेबल डिसएडवांटेजेस या डिजायरेबल डिफिकल्टीज। अगले चैप्टर में मैल्कम ग्लैडवेल ऐसी डिफिकल्टीज की बात करेंगे जिनकी हमको ज़रूरत है, ऐसी मुश्किलों की बात जिसकी हमको, कभी ऐसा हो सकता है मुश्किलों की जिसकी हमको ज़रूरत है? कभी सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बहुत से लोग मुश्किलों की वजह से ही आगे बढ़ पाए हैं। दैट कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट ऐसा उनका अपने मन से नहीं निकाला गया, इट वॉज कंसीव्ड बाई रॉबर्ट जॉर्क एंड एलिजाबेथ जॉर्क, दो साइकोलॉजिस्ट थे।
और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा रिसर्च किया लॉस एंजलिस में। बहुत ही डरावना लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीका है इस चीज़ को समझाने का, डिजायरेबल डिसएडवांटेज। ये क्या होता है डिजायरेबल डिसएडवांटेज? सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। तो एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक छोटा सा सवाल है, एक बैट और एक बॉल दोनों मिला करके दोनों की कीमत एक साथ मिलाएंगे तो 110 रुपये है, ठीक है। अब जो बॉल है वो बैट से सस्ता है, बैट महंगा है। अब जो बैट की कीमत है बॉल से 100 रुपये ज़्यादा है, तो उसकी उसका दोनों का कीमत कितना होगा? तो सिंपल सा आंसर मन में, तो मेरे मन में तो यही आया था कि बैट 100 रुपये का और बॉल 10 रुपये का, लेकिन ये गलत आंसर है। सही आंसर क्या है? बैट है 105 रुपये का और बॉल है 5 रुपये का, तभी बैट जो है बॉल से 100 रुपये ज़्यादा हो पाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन और है इसमें कि इट टेक्स 5 मिनट्स फॉर 5 मशीन्स टू मेक 5 विजिट्स, मतलब 5 मशीनों को 5 विजिट है, कोई 5 सामान बनाने के लिए 5 मिनट लगता है, तो ये बताइए कि 100 मशीनों को 100 विजिट बनाने में कितना टाइम लगेगा? 100 मिनट। ये भी मेरे मन में आंसर आया था, लेकिन इसका भी आंसर 5 मिनट ही है, नहीं ठीक है। दीज पजल्स आर 2 of the 3 क्वेश्चंस दैट टेक अप द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। दुनिया का जो सबसे छोटा इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ये उनमें से एक दो सवाल हैं। इट इज कॉल्ड, इसको कुछ खास नाम से जाना जाता है जब इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन टेस्ट या तो CRT, जब भी आप किसी आदमी का कॉग्निशन चेक करना चाहते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड, किसने खोजा था इसको? येल के प्रोफेसर ने, शेन फ्रेडरिक ने। इट मेजर्स द अबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हेन समथिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स, जब कोई चीज़ मुश्किल है, ऊपर ऊपर से दिखती आसान है लेकिन अंदर से मुश्किल है, तो उसको आप देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, ये चीज़ चेक करने का टेस्ट होता है। टू मूव पास्ट इंप्रेसिव आंसर्स टू डीपर एनालिटिक जजमेंट, ताकि आप ऊपर ऊपर के सुपरफिशियल आंसर को छोड़ करके अंदर में गहराई से देख पाने की आपके अंदर काबिलियत है कि नहीं, ये जानने के लिए। फ्रेडरिक बोलते हैं दैट इफ यू वॉन्ट अ क्विक वे टू सॉर्ट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ बेसिक कॉग्निटिव एबिलिटी, अगर आप जानना चाहते हैं, ढेर सारे लोग हैं और फटाफट जानना चाहते हैं किसकी कॉग्निशन ज्यादा है किसकी कम, पीपल, तो क्या करिए, हिज लिटिल टेस्ट इज ऑलमोस्ट एज यूजफुल एज हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स टेक सेवरल आवर्स टू फिनिश। अगर 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट दीजिए लोगों को, उसके बजाय आप इस तरह के 4-5 क्वेश्चन दे दीजिए, आपका जो आंसर आता है वही होता है। यूनिवर्सिटी में, येल में, हार्वर्ड में, इस तरह के कॉलेज में जा जाकर के उन्होंने टेस्ट लिए हैं, बोलते हैं इतना पैसा बर्बाद है कॉलेजेस का। जब आप कॉग्निटिव एबिलिटी या लोगों की इंटेलिजेंस छोटे छोटे सवालों से मालूम कर सकते हैं, तो CRT बहुत मुश्किल चीज़ है, कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन टेस्ट इज हार्ड, बट देर इज अ स्ट्रेंज थिंग, लेकिन इसके बारे में एक अजीब चीज़ है। डू यू नो द ईजिएस्ट वे टू रेज पीपल्स स्कोर ऑन टेस्ट, इस स्कोर में सबसे आसान तरीका कि लोगों को कैसे आप इसका स्कोर बढ़ा सकते हैं लोगों का CRT में, मतलब आप टेस्ट लें और लोगों के अच्छे नंबर आ जाएं, तैयारी करवा के, एग्जाम के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम की तैयारी कराते हैं ना। द बेस्ट वे टू मेक दीज स्कोर हायर किसी का स्कोर इज टू मेक दीज क्वेश्चंस लुक अ बिट हार्डर, कि जब कोई क्वेश्चन पढ़े उसको पढ़ने में मुश्किल हो। इन्होंने यही किया, इस क्वेश्चन को इन्होंने पहले, ये जैसे आप ये देख रहे हैं इस तरह से लिखा हुआ है, जो काली काली लिखाई देख रही है, इसके बजाय इन्होंने इस तरह से लिख दिया ताकि आप साफ साफ देख ना सकें, और इसकी फॉन्ट भी टेढ़ी कर दी। अब उसी चीज को पढ़ने के लिए अब एक सवाल लिखा है, अ बैट एंड अ बॉल कॉस्ट 1.10 इन टोटल, द बैट कॉस्ट $1 मोर देन द बॉल, हाउ मच डज द बॉल कॉस्ट। वही सवाल है लेकिन उसको देखने में हल्का कर दिया और थोड़ा सा इटैलिक कर दिया। दैट्स स्ट्रेंज इज़न्ट इट, अजीब नहीं है? नॉर्मली वी थिंक दैट वी आर बेटर एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स व्हेन दे आर प्रेजेंटेड क्लियरली एंड सिंपली। हम लोग क्या सोचते हैं, जब जिंदगी में प्रॉब्लम साफ साफ आती हैं और हमको कोई प्रेजेंट कर दे ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बोलते हैं जब साइज कम कर दिया, 10% ग्रे कर दिया और 10 पॉइंट इटैलिक कर दिया, तो बच्चों के स्कोर ज्यादा बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? यू हैव, क्योंकि आपको स्क्विंट करना पड़ता है, इस सवाल को पढ़ने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ता है। एंड मे बी रीड द सेंटेंस ट्वाइस, और शायद आपको उस सेंटेंस को 2 बार पढ़ना पड़ता है। एंड प्रोबेबली यू वंडर हाफ वे थ्रू हु ऑन द अर्थ थॉट इट वॉज गुड आइडिया टू प्रिंट ऑन द टेस्ट दिस वे, और आपने सोचा भी होगा, अरे यार इतना साफ साफ दिख भी नहीं रहा, पता नहीं पागल हुए हैं क्या,
साफ साफ तो लिखना चाहिए, आपने शायद दिमाग में मन में भी आया होगा. एंड सडनली यू हैव टू वर्क टू रीड द क्वेश्चन. पहले क्या हुआ, आपने सवाल पूछा, हाँ यार 110 रुपए का बैट एंड बॉल, 100 रुपए का बैट, 10 रुपए का बॉल होगा और क्या, सोचा भी नहीं. लेकिन जब आप हल्का हल्का लिख दिया सवाल तो सोचना पड़ा आपको. येट ऑल द एक्स्ट्रा एफर्ट, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपने डाला इट पेज ऑफ, इससे फायदा हुआ. एज ऑल्टर से, जैसे वो कहते हैं, मेकिंग द क्वेश्चन डिसफ्लुएंट, उन्होंने सवाल को क्या किया, डिसफ्लुएंट कर दिया, पढ़ने में मुश्किल कर दिया. कॉजेज पीपल टू थिंक मोर डीपली अबाउट वट एवर दे कम अक्रॉस. जो भी जिंदगी में वो पढ़ रहे थे सवाल में, उसको जब ध्यान से पढ़ना पड़ा तो उनका ध्यान बढ़ गया. दे विल यूजली बी मोर यूज मोर रिसोर्सेज इन देयर माइंड. जब ध्यान लगाएंगे तो जो भी माइंड में ध्यान है वो एक्स्ट्रा काम में आता है. दे विल प्रोसेस इट मोर डीपली, वो दिमाग में उस सवाल को और गहरे से प्रोसेस करेंगे, और थिंक मोर केयरफुली, या तो और ध्यान से देखे सोचेंगे अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, के चल क्या रहा है, 110 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए. एंड इफ दे हैव टू ओवरकम अ हर्डल दे विल ओवरकम इट बेटर व्हेन यू फोर्स देम टू थिंक अ लिटिल हार्डर. और अगर किसी प्रॉब्लम को आप चाहते हैं कि वो एक मुश्किल हर्डल को पार कर सकें, तो आप जब मुश्किल की तरीके से देंगे तभी वो उसको पार कर पाएंगे, आसान तरीके से नहीं कर पाएंगे. ऑल्टर एंड ओपनहाइमर, ये जो साइंटिस्ट थे, मेड द सीआरटी मोर डिफिकल्ट, उन्होंने मुश्किल कर दिया, बट दैट डिफिकल्टी टर्न आउट टू बी डिजायरेबल. एक मुश्किल कर दी उन्होंने सवाल को, लेकिन एक ऐसा मुश्किल था जो मुश्किल डिजायरेबल होता है, मतलब जो असल में चाहिए, जिसकी हमको जरूरत है. नॉट ऑल डिफिकल्टीज आर सिल्वर लाइनिंग ऑफ कोर्स. अभी हमने पढ़ा नहीं है वो चैप्टर. एक चैप्टर है जिसमें कि एक लड़की के लिए मुश्किल आई थी लेकिन वो डिजायरेबल नहीं थी. कैरोलिन सैक्स नाम था उसका. और वो लड़की बेचारी जैसे ही अपने कॉलेज में, स्कूल में बेस्ट थी, जब उसको बेटर स्कूल कॉलेज में, दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया, तो बेचारी फेल हो गई और उसने कॉलेज छोड़ दिया. तो बहुत सी ऐसी मुश्किलें होती हैं जो आप डिजायरेबल नहीं होती हैं. हमारी लाइफ में बहुत सी मुश्किलें होती हैं जो डिजायरेबल नहीं होती हैं. वो बच्ची डीमोरलाइज हो गई. द स्ट्रगल डिड नॉट गिव हर अ न्यू अप्रिसिएशन. जो उसको स्ट्रगल करना पड़ा उसकी वजह से वो साइंस को और ज़्यादा पसंद नहीं करती. तो अब ये बताइए, कैन डिसलेक्सिया टर्न आउट टू बी अ डिजायरेबल डिफिकल्टी? क्या पढ़ाई न कर पाना डिसलेक्सिया कोई डिजायरेबल डिफिकल्टी है? इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट इट कैन बी. हम लोग विश्वास भी नहीं करेंगे कि डिसलेक्सिया, पढ़ाई न कर पाना, कोई अच्छी चीज़ है. गिवन हाउ मेनी पीपल स्ट्रगल विथ द डिसऑर्डर थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि कितने लोग हैं जिंदगी भर में पढ़ नहीं पाते, एकदम एक तरह से अपाहिज हो जाते हैं वो लोग. लेकिन फिर भी एक अजीब चीज़ जो उन्होंने खोजी है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाई नंबर ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स आर डिसलेक्सिक. बहुत से ज़्यादा लोग हैं जो एंटरप्रेनर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो क्या हैं, डिसलेक्सिक हैं, मतलब पढ़ाई नहीं कर पाते. कुछ लोगों का नाम बताया है. रीसेंट स्टडी में बाय जूलियन लेगॉन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में उन्होंने खोजा था, कुछ लोगों का नाम खोजा है. पता है कौन कौन है लिस्ट में? रिचर्ड ब्रांसन का नाम सुना है आपने? अभी रिचर्ड ब्रांसन ने इलॉन मस्क की कंपनी में पता नहीं बिलियन ऑफ डॉलर्स डाल लगाए हैं. उनकी अपनी खुद की हवाई जहाज़ की कंपनी है. बहुत ही अमीर आदमी है, लंदन के, यूके के. और कौन है? चार्ल्स श्वैब, द फाउंडर ऑफ डिस्काउंट ब्रोकरेज द बियर्सन. बहुत बड़ी चार्ल्स श्वैब नाम की बहुत बड़ी डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनी है शेयर मार्केट में. वो भी डिसलेक्सिक थे. और कौन है? क्रीग मैककॉ, टेलीफोन की कंपनी है इनकी. डेविड नीलमैन, जिन्होंने जेट ब्लू नाम की कंपनी बनाई है. जॉन चेम्बर, जिन्होंने सिस्को नाम की बहुत गूगल से पहले वो बहुत बड़ी कंपनी थी इंटरनेट सॉफ्टवेयर की. पॉल और फेलिया, द फाउंडर ऑफ किंको, टू नेम जस्ट अ फ्यू. कुछ नाम बताए हैं. हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये लोग डिसलेक्सिक. द न्यूरो साइंटिस्ट शेरॉन थॉम्सन Schill remembers speaking at a meeting prominent university donors, virtually all of them successful businessmen. एक neuroscientist थे, बड़ी सी अमीर लोगों की मीटिंग थी, जैसे टेड होती है ऐसे ही, और वहाँ पे सारे एंटरप्रेनर्स बैठे थे. तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, कितने लोग हैं जो डिसलेक्सिक हैं अपने आप को बोलेंगे. आधे से ज़्यादा लोगों ने अपने हाथ उठाया. मोर देन हाफ टुक देयर हैंड्स अप एंड सेड, उनको बोलती मैं तो विश्वास नहीं कर पाया, जो न्यूरो साइंटिस्ट थे, कि आधे से ज़्यादा लोग डिसलेक्सिक. ये सब कौन है? बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन. देर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो तरीके, दो चीज़ें हो सकती हैं. दैट इज इसकी वन इज दैट दिस रिमार्केबल ग्रुप ऑफ पीपल ट्रायम्फ्ड इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटी.
कि बेचारे कमजोर थे, पढ़ाई में कमजोर थे, फिर भी उसके खिलाफ चल के अपनी क्या बोलते हैं उसको, नदी का जो बहाव होता है उसके खिलाफ तैर करके आगे बढ़ गए और सक्सेसफुल। या तो ये हो सकता है, या तो दे आर स्मार्ट एंड सो क्रिएटिव दैट नथिंग इवन द लाइफ टाइम स्ट्रगल, या तो दूसरी चीज ये हो सकती है कि इसी की वजह से, अपनी डिसलेक्सिया की वजह से ही वो अमीर बने। समझे आप? मान लीजिए एक नदी में एक तिनका बह रहा है, ठीक, और वो तिनका कहीं पहुंचा तो नदी के फ्लो की वजह से पहुंचा, नदी से लड़ाई करके कहीं पहुंचा। लगता तो यही है कि नदी के फ्लो के साथ ही, तिनका कभी नदी के खिलाफ नहीं जा सकता। तो कल देखेंगे डेविड बॉयज की कहानी कि उसके लिए डिसलेक्सिया किस तरह से डिजायरेबल डिफिकल्टी बनी, क्योंकि हमारी भी लाइफ में बहुत सी डिफिकल्टीज हैं जो उनको हम देख नहीं पाते कि वो असल में हमको हेल्प कर रही हैं। एक बार हमको मालूम पड़ जाए, जैसे मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत मुश्किल है मेरे लिए करना, मैं शेयर करूंगा एक लंबे उसके बड़ी टॉपिक बनाऊंगा कि मेरे लिए कौन कौन सी चीजें करना मुश्किल है, और वो चीज़ नहीं कर पाया इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को, मतलब यूट्यूब के वीडियोज़ हैं या स्पिरिचुअल बुक्स हैं, इनको मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पा रहा हूँ और समझा पा रहा हूँ। कल और पढ़ेंगे हम लोग।